नमस्ते बच्चे। चलिए बच्चों, आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। क्वेश्चन के अंदर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ये चैप्टर है एक डिसीजन लेने के आधार पर। किसके आधार पर बनाया गया है चैप्टर? डिसीजन। आप बीकॉम ग्रेजुएट हो गए हैं, क्या आप कुछ डिसीजन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? आपको प्रोडक्शन का मैनेजर बना दिया तो आप डिसीजन कैसे लोगे? सर जी, उस आधार पर एक चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर का नाम लिखा है मैंने, मेक और वाई डिसीजन। बेटा एक बात ध्यान रखना मेरी बात जिंदगी में, कि एक एटलस साइकिल है। क्या एटलस साइकिल वाला क्या सारे प्रोडक्ट खुद बनाता है? क्या एटलस साइकिल वाला क्या सारे कंपोनेंट सारे चीज खुद बना लेता है? सर जी, घंटी, घंटी इज द कंपोनेंट, चैन इज द कंपोनेंट, टायर इज द कंपोनेंट, टायर ट्यूब इज द कंपोनेंट, ब्रेक इज द कंपोनेंट। सर, चैन इज द कंपोनेंट, गद्दी इज द कंपोनेंट। सर इतना सारी चीजें, सर एटलस साइकिल वाला खुद बना लेता है? नहीं जी, खुद नहीं बना सकता सारी चीजें। क्या होता है, कुछ चीजें एटलस साइकिल वाला मार्केट से खरीद लेता है। कहां से खरीद लेता है? मार्केट से। तो डिसीजन यहां पर यह है, डिसीजन लेने का यहां पर यह है कि उसको 1,00,000 साइकिल बिकती है तो 1,00,000 चैन चाहिए, 1,00,000 चैन चाहिए। अब यहां पर देखने वाली बात तो यह है, अब 1,00,000 चैन वो बनाए या मार्केट से खरीद ले? 1,00,000 चैन या तो बनाए या परचेज फ्रॉम मार्केट। बाई का मतलब होता है खरीदना, बाई का मतलब बेटा क्या होता है, और मेक का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, इन हाउस, खुद के घर में प्रोडक्शन करना। चलिए, तो मैं इस चीज को मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी मैं आपको कौन सा समझाता जाऊंगा। तो देखिए, मेक और वाई डिसीजन कहता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVPA। आपको ये माइनर क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको, CVPA, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हेल्प, मदद करता है क्या टेकिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने में हमारी क्या करता है? सर जी, मदद करता है वेदर वी शुड परचेज, वेदर वी शुड परचेज द कंपोनेंट, कंपोनेंट बोले तो चैन, चैन इज द कंपोनेंट। साइकिल तो प्रोडक्ट है और चैन क्या है? साइकिल का एक कंपोनेंट है। घंटी इज द कंपोनेंट, तो कह रहा है वी शुड परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड, हम बाहरी व्यक्ति से मार्केट से खरीद लें, किसी जाकर के साइकिल मार्केट में जाकर के, साइकिल की मार्केट में जाकर के हम चैन खरीद लें या घंटी खरीद लें। और सब कुछ ऐसे वाला नहीं बना सकता, या मैन्युफैक्चर इन हाउस, मैन्युफैक्चर इन हाउस, या वो अपनी ही फैक्ट्री के अंदर, या वो अपनी ही फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर दे इन हाउस। इन सच ए सिचुएशन द प्राइस डिमांडेड बाय द सप्लायर। अब आपको देखना पड़ेगा, जो मार्केट में जो सप्लायर है वो मेरे पास आया कि भाई साहब मैं चैन आपको इतने की दे दूंगा, 200 रुपए की दे दूंगा, मैं चैन आपको 200 रुपए की दे दूंगा। मैंने, मेरे पास सप्लायर खुद आ गया मेरी फैक्ट्री के अंदर, और भी सप्लायर आए, कोई 80 में दे रहा है, कोई 70 में दे रहा है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी की चैन 200 रुपए में मिल रही है। अब मैं अपने MBA को बुलाऊंगा या प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाऊंगा, मैं उससे पूछूंगा मुझे बताओ कि ये चैन अगर मैं इसे बनाऊं तो कितने की कॉस्ट की पड़ेगी। तो वही कहा है मैंने, सप्लायर इज कंपेयर्ड, तुलना करेंगे किससे?
कंपेयर विद द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग द कंपोनेंट। कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी उसकी तुलना करेंगे कि 200 रुपए की सप्लायर दे रहा है मेरे को मार्केट में बढ़िया चैन। अगर वही चैन मैं अपने इन हाउस अपने ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कराऊं तो कितने की पड़ेगी? तो मैंने देखा 190 रुपए की। अगर मैं खुद पड़ा बनवाता हूं वैसी चैन वैसी क्वालिटी वैसे ही बढ़िया चीज कितने की पड़ रही है? वो 190 रुपए की पड़ रही है। अब बताइए आप, क्या मैं चैन को खरीदूंगा या बनाऊंगा? मैं तो सर जी बनवाऊंगा क्योंकि मुझे 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा है बनवाने में। सर जी उससे क्या होगा? सर जी मेरे जो बेकार लेबर पड़ी हुई है वो मेरे काम में आ जाएगी। मेरे जो फैक्ट्री के अंदर मेरी एलटीडी में संस्था में जो लेबर पड़ी हुई है बेकार, बेकार मतलब काम खाली है, तो उससे बनवा लो। तो वही है मेक और बाई डिसीजन। ये हमको कायम करता है डिसीजन लेने में, मतलब में हेल्प करता है। तो अगर बाहर का सप्लायर हमें वो कितने की दे रहा है, अगर वो बाहर का सप्लायर 200 की दे रहा है, अगर बनवाने में कॉस्ट आ रही है 220 रुपये, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं बनवाऊँगा? नहीं जी सर, नहीं, सप्लायर से ले लूँगा। मैं अपना बेनिफिट देखूँगा। मैं क्या देखूँगा बेटा? अपना बेनिफिट देखूँगा। तो वही कहा है। अब एक बात सुनी ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज तक आपके बात समझ में नहीं आई होगी। मैंने आपको हमेशा बताया, आज मैंने लिखा भी दिया, नोट कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। लेकिन हम सिर्फ क्या लेंगे? वेरिएबल कॉस्ट लेंगे हम बेटा, क्या लेंगे? ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यही कहा है, फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑन द एजम्पशन। हम ये मान लेते हैं ऑन द एजम्पशन दैट दे हैव बीन ऑलरेडी इनकर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है। अरे मैंने एक बात बताओ, मैंने 50,000 रुपये पर किसी से दुकान किराए पर ले रखी है, फैक्ट्री किराए पर ले रखी है, मेरा प्रोडक्शन चल रहा है, तो भाई साहब वो तो 50,000 रुपये में आप जाने जाना मंथली पेरेडिक कॉस्ट है, पेरेडिक कॉस्ट है, हर मंथली जाएगा, चाहे मैन्युफैक्चर हो या ना हो। जगह तो खाली पड़ी है, खाली पड़ी है तो फटाफट बना लो ना। तो फिक्स कॉस्ट तो होनी होनी है। जैसे मेरे यहाँ एक स्वीपर आता है झाड़ू लगाने के लिए, सर जी उसको तो सैलरी देनी है, चाहे चैन बनाओ या ना बनाओ। मेरे यहाँ एक वॉचमैन है, क्या वो प्रोडक्शन के आधार पर काम कर रहा है? सर जी 10,000 महीने जाने जाने, चाहे कम प्रोडक्शन हो फैक्ट्री में या ना हो। सर जी वो तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे आपने फैक्ट्री जो डाल रखी है वो आपने 50,00,000 रुपये बैंक से लोन लेकर के डाल रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बैंक को ब्याज तो जाएगी जाएगा, चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, चैन बनाओ या ना बनाओ। जो आपने लोन पे ब्याज दे रखी है वो तो फिक्स है, जानी जानी है। तो वही मैंने कहा, सर जी जो कॉस्ट होनी होनी है, जो कॉस्ट इनकर्ड होनी होनी है, किराया जानी जाना है, स्वीपर को सैलरी देनी देनी है, बीना को सैलरी देनी देनी है, जो हमारे काम करती है जानी जानी है, चाहे प्रोडक्शन हो चैन बनाओ या ना बनाओ, चाहे साइकिल बने या ना बने, किराया जाएगी जाएगा, फिक्स है ये, ब्याज बैंक को जाएगी जाएगा, देनी देना है। तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे ऑन द एजम्पशन, इस आधार पर दैट दे हैव बीन ऑलरेडी इनकर्ड, क्योंकि वो खर्च हो चुकी है। अब मैंने लिखाया ऑलवेज रिमेम्बर, एक बार आप स्क्रीन शॉट खींच लेना, आराम से लिखना, मैं हट जाता हूँ एक मिनट के लिए, मैं हट जाता हूँ। देखिए आप स्क्रीन शॉट खींच लो बेटा, आप स्क्रीन शॉट खींच लो, आराम से खींच लो। चलिए हो गया बेटा।
चलिए अपने कट कर लिया। अब कह रहा है इस प्रकार के डिसीजन में फिक्स कॉस्ट को हम नहीं लेते, मेक और वाई के डिसीजन में फिक्स कॉस्ट को हम नहीं लेते हैं, हम नहीं लेते हैं बेटे। तो कह रहा है आगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का संबंध सीधे प्रोडक्शन के साथ नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट का संबंध सीधे प्रोडक्शन के साथ नहीं होता है। अगर हम इस कंपोनेंट को बनाते हैं, कंपोनेंट बोले तो चैन घंटी, या नहीं बनाते हैं, घंटी बनाओ या ना बनाओ, चैन बनाओ या ना बनाओ, किराया तो जाएगा। वही कह रहा है अगर हम इस कंपोनेंट को बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर्ड हो चुकी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर्ड हो चुकी होती है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट का इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट का इसमें महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर ही हम डिसीजन लेते हैं। इसमें किसके आधार पर डिसीजन लेंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर। लिखा दिया मैंने, वेरिएबल कॉस्ट का कंपैरिजन हम मार्केट में जो कंपोनेंट मिल रहा है, जो सप्लायर दे रहा है, उसके साथ करते हैं। मतलब वेरिएबल कॉस्ट और जो सप्लायर ने जो हमें बोला 200 रुपये, और जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला 190 रुपये, तो उसका जो कंपैरिजन करते हैं 190 का और 200 का। अगर वो हमारे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको 190 में हमारी कॉस्ट आ रही है, तो क्या हम उससे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, हम उसे यूज करेंगे। 10 रुपये का हमारा फायदा है सर। अगर 100,000 चैन बनी, 100,000 चैन बनी एक साल के अंदर, और 10 रुपये चैन के हिसाब से फायदा है, तो सर जी कितना हो गया? 10,00,000 रुपये का फायदा हो गया सर। सर जी ऐसे देखो ना, एक 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 यूनिट नहीं बन रही है, 100,000 यूनिट बन रही है, तो हम क्या करेंगे? क्या बाजार से खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो वही मैंने लिखाया है, इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का कंपेरिजन हम मार्केट में जो कंपोनेंट मिल रहा है उसके साथ करते हैं। चलिए मैं आपको और बातें दिखाता हूँ जो आपको नहीं दिखाई गई थी। मैं यहाँ पर देख रहा था कि बेटा ये सब बातें मैं आपको माइजर कॉस्ट में मैंने समझाई थी, बट मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, आपको बेटा मैं लिखा देता हूँ। अब चलिए देखिए, देखिए नोट, नोट नंबर वन, देखिए वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों के योग को क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो लिख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है मंद होता है। वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ सीधा संबंध होता है, लेकिन नंबर दो, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ सीधा संबंध होता है, लेकिन 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 फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, लेकिन लिख लो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वह एक पीरियड की कॉस्ट होती है, वह एक पीरियडिक कॉस्ट बोलते हैं, पीरियड की कॉस्ट,
पेरेडिक कॉस्ट बोलते हैं सर, पेरेडिक कॉस्ट लिख दो, वह एक पेरेडिक कॉस्ट, पेरोडिक पीरियड की कॉस्ट, पीरियड की कॉस्ट होती है, होती है। देखो जैसे हमने एक बिल्डिंग रेंट पर ली है, जैसे जैसे हमने एक बिल्डिंग रेंट पर ली है, जैसे हमने एक बिल्डिंग रेंट पर ली है, तो हम चाहे बिल्डिंग में प्रोडक्शन करें या ना करें, किराया तो देना ही देना है, करें या ना करें हमें रेंट देना ही पड़ेगा, हमको रेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं है, ठीक है, आगे समझ में अब? हाँ जी, अब आया, आज तक नहीं समझाई थी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, और लिख लो फिर मत कहना जी लिखा या नहीं। अगर हमने पैसा उधार पर लिया है, अगर हमने पैसा उधार पर लिया है लो उतारो लो, अगर हमने पैसा उधार पर लिया है तो हमको इंटरेस्ट ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ब्याज तो हमको देना ही होगा। उठा लीजिए, चलिए अब मैं आपको एक चीज एग्जाम्पल लिखाऊंगा, आपको शायद आपको ये बातें एग्जाम्पल समझ में आएंगी। अब तक एक कहानियाँ थी, ये कहानियाँ से माइंड में रखनी है, याद बस परमानेंट रख लो, कैसे जी इसका पीछे एक कंसेप्ट था, फिक्स कॉस्ट को हम क्यों नहीं ले रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट को क्यों ले रहे हैं। बाकी जब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा सर सब समझ में आएगा, पेपर में वो ही आएगा जो मैं यहाँ से बोर्ड पर करा दूंगा। एक क्वेश्चन ना दाएं ना क्वेश्चन बाएं, ये लिख लो। हाँ जी, जो बेटा मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन तेरे पेपर में छपे हुए मिलेंगे, तू बावला मत हो जाइयो। हाँ जी, बावला हो जाए अरे ये क्या हो गया, ये तो सीमेंट घर से करके आया था, ये तो गुरुजी ने कराया था, ब्लू टी शर्ट पहने थे उस दिन, ये भी तेरे को याद हो जाएगा। हाँ जी, लिख एग्जाम्पल, लिख बेटा, लिख बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए।
एफएम रिकॉर्ड रिकॉर्ड एक फर्म रिक्वायर्ड एनी कंपोनेंट एफएम रिक्वायर्ड एनी कंपोनेंट इफ बी मैन्युफैक्चर इफ वी मैन्युफैक्चर्ड If we manufactured ourselves, मतलब खुद then the cost is रुपीज 10। क्या मतलब है? एक मैन्युफैक्चर है एक फर्म में, इफ वी मैन्युफैक्चर एक कंपोनेंट है घंटी साइकिल बेचता है, हम घंटी चाहिए उसे, तो कह रहा है अगर वो उससे मैन्युफैक्चर करेगा अपनी फैक्ट्री के अंदर तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 रुपये। कितनी कॉस्ट आ रही है? 10 रुपये। आगे देखो, 7 रुपये कॉमन लगा के, सेवन एज वेरिएबल कॉस्ट, 7 एज वेरिएबल कॉस्ट, 7 रुपये क्या है जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट है, एंड रुपी थ्री एच फिक्स कॉस्ट, ये तो होनी है, फिक्स कॉस्ट है। लिख लिया बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखिए इफ सेलर सप्लायर बोलते हैं, क्वाइट प्राइस उसका प्राइस कोट करता है, सप्लायर बोलता है क्वाइट प्राइस ऑफ ₹8, ये सप्लायर ने बोला कि सर जी मैं घंटी को आपको 8 रुपये में दे दूंगा। बोलो घंटी कितने मिल रही हो मेरे को? 8 रुपये में। देन लिखिए, आगे लिखो, देन अब क्या करोगे बताओ? वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 7, हम बनाएंगे तो सप्लायर कितनी दे रहा है? 8। अब आप बताओ इसे बनाऊं या मार्केट से खरीदूं, सप्लायर से ले लूं? जो सप्लायर मेरे सामने बैठा है मेरी छाती पे, वो कितने की दे रहा है घंटी? 8 रुपये की। लेकिन अगर वही घंटी में अपने हाथ बनाऊं तो वो घंटी कितने की पड़ रही है? 7 रुपये की। सर जी फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे, फिक्स कॉस्ट तो इरिलेवेंट है, वो तो खर्च होनी है, चाहे घंटी बनाओ चाहे ना बनाओ। सर जी घंटी बनाओ चाहे ना बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो होनी है, मैंने हिंदी में भी लिखा दी, अब क्या मेरी जान लोगे? हैं, इंग्लिश में भी लिखा दी, बोलो आप, उर्दू मेरे पे आती नहीं, अरमान से सीख लूंगा। हैं, चलिए, इफ सेलर क्वाइट प्राइस विल बी 8, देन वी शुड मैन्युफैक्चर देन वी शुड मैन्युफैक्चर एच वेरिएबल कॉस्ट एच वेरिएबल कॉस्ट इज ओनली सेवन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? सिर्फ 7 रुपये आएगी। देन वी शुड मैन्युफैक्चर एज वेरिएबल कॉस्ट इज, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कितने की आएगी? 7 रुपये की। तो मैं क्या करूंगा? बना लूंगा। आगे लिखिए,
अब मैं एक चीज और क्वेश्चन कर लूं, यदि देखो यदि यदि सही तो लिख लो, यदि 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 सेलर यदि सेलर इस कंपोनेंट को यदि सेलर इस कंपोनेंट को 6 रुपए में देने को तैयार हो जाए, 6 रुपए में यदि सेलर 6 रुपए में देने को तैयार हो जाए, बताइए क्या हुआ? तो यदि सेलर इस कंपोनेंट को इस यदि सेलर इस कंपोनेंट को 6 रुपए में देने को तैयार हो जाए तो हमें इस कंपोनेंट को नेंट को बाजार से ही खरीदने में फायदा रहेगा, क्योंकि खुद बनाने में कितने का पड़ रहा है 7 का और सप्लाई कितने का दे रहा है 6 रुपए का। तो क्या करूंगा मैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को बाजार से क्या करूंगा, खरीद लूंगा। तो वही लिख लो, तो हमें इस कंपोनेंट को मार्केट से खरीदने में ही फायदा रहेगा, चलिए हो गया भैया। लिख लीजिए और लिखो, क्वेश्चन लिख लो, उतार लो, ये मैं हट जाता हूं, आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आराम से लिखते रहा करो, आराम से। मैं आपको 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कभी कहा दो पूरी रात खुली छूट जाती है, कोई बात नहीं, मजे लो, एस काटो, पेपर में आपको सब ऑन कर दूंगा जिस दिन पेपर होगा आपका, और बताओ कितना जो भी मैं कर सकता हूँ बहुत मैं कर ही दूंगा आपके लिए, आप टेंशन मत लो। आपको मैं इसके 5 क्वेश्चन कराऊंगा या 6 कराऊंगा, अभी आप इसके बेसिक कर रहे हो। आप पहला लेक्चर किसका होता है सर जी? बेसिक कॉन्सेप्ट का होता है। पहला लेक्चर बेटा किसका होता है सर जी? बेसिक कॉन्सेप्ट का होता है। और दूसरा लेक्चर किसका होता है सर जी? न्यूमेरिकल का होता है। और जब बेसिक समझ में आ जाएंगे तो सर जी न्यूमेरिकल तो अपने आप आ जाएंगे। न्यूमेरिकल तो बेटा अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखिए एग्जाम्पल, पानी पी लिया करो, कान में लीड लगा लिया करो, आराम से एक कान में बैठे सुना करो कहानी को, बीच में टीवी में ऐसी लीड जरूर लगाया करो कान में, फिर बाहर की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, अनसेंट आवाज़ आएगी इधर उधर की। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल, लिखो बेटा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, मस्त एग्जाम्पल है। एक कंपनी हैज टू टेक मेरी आवाज सुना करो, आवाज भी लिख लिया करो, एक कंपनी हैज टू टेक द डिसीजन ऑफ मेक और बाई
मेक और बाय। इफ द मैन्युफैक्चर, इफ द मैन्युफैक्चर, इफ द मैन्युफैक्चर इटसेल्फ, इट सेल्फ, अगर मैं इसको खुद बनाऊं सेल्फ, देन टोटल कॉस्ट इज, देन द टोटल कॉस्ट, देन द टोटल कॉस्ट, अगर मैं इसको प्रोडक्ट को खुद, इस कंपोनेंट को मैं खुद बनाता हूं, देन द टोटल कॉस्ट इज रुपीज, इज रुपीज 625। कितनी कॉस्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है पर यूनिट, 625 रुपये सर जी पर यूनिट आ रही है अगर मैं इसको खुद बना रहा हूं। बट इट बाई फ्रॉम द मार्केट, बट इट बाई फ्रॉम द मार्केट, अगर मैं इसको मार्केट से खरीदता हूं, मार्केट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 575। प्रोडक्ट इज 575, मतलब मार्केट में इसमें किसे कितने का मिल रहा है, एक यूनिट, या एक ऐसे समझ लो एक यूनिट कितने की मिल रही है, 575 की मिल रही है बाजार से, और मैं इसे खुद बना रहा हूं तो कितने की पड़ रही है, 625 की। सही जा देख लो जरा ध्यान से, लिखो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब मैं अब आपको इसके बारे में बता रहा हूं जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसकी कॉस्ट कैसे कैसे आ रही है, लिख दीजिए, लिखो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मेटेरियल कितने का पड़ रहा है पर यूनिट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, देखो मेटेरियल एक यूनिट कॉस्ट है, मेटेरियल, मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट लिख दिया मैंने, अगर नहीं लिखा हो पेपर में तो पर यूनिट की मानेंगे क्योंकि ये 625 पर यूनिट कॉस्ट है, तो मेटेरियल कितने लग रही है इसमें, मेटेरियल कितने की लग रही है सर जी 275 रुपये की लग रही है, 275 की एक यूनिट में। लेबर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज, लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है 175, 175 रुपये की पड़ रही है, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 50 रुपये पर यूनिट, यह आ गया टोटल, आ गया टोटल कर लो आप, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 50 मिनट, आगे देखो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 125 रुपये, 125 रुपये, आप टोटल कर लो, मैं आप टोटल कर दिखाता हूँ आपको, 275, 175, 50 और 125, 625 रुपये आ रही है, देख लो कॉस्ट,
आप चेक कर लो, देख लो, आप चेक कर लो। लिखिए, हो गया बेटा, मैं आगे बढ़ जाऊं। थोड़ी एक बात और लिख लो, एक बात बताओ, अब बताओ मेरे लिए रिलीवेंट कॉस्ट कौन सी है। सर जी मेरे लिए रिलीवेंट कॉस्ट ये है। सर जी ये तो खर्च हो चुकी है, 125 रुपए तो सर जी खर्च हो चुके हैं, चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो। सर जी लिख लो, सर जी फिर लिख लो, सर जी फिर लिख लो, मतलब इसका 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 कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो खर्च हो चुकी है, चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो। लिख लीजिए, अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये कॉस्ट खर्च करनी पड़, इसका कोई रोल नहीं है। अगर हम मेटेरियल मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, इनकर्ड INCUR इनकर्ड करनी ही पड़ेगी, ये कॉस्ट तो खर्च करनी ही पड़ेगी, ये आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको एक यूनिट पर, चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो। चलिए मैं आगे बढ़ूं, लिख लीजिए, एक और लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लो, इसी में दो क्वेश्चन हो जाएंगे, एक तो ये आगे लिखो, नेक्स्ट इसी में केस टू, केस ही है, आप केस मान लो, लिखो, इफ द सेलर सेल, इफ द सेलर सेल द सेम एट 490। अभी बताते हैं, पहले इसकी कहानी सुनते हैं, उसके बाद में हाँ देखेंगे। नहीं आई सर में, ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, पहले कितने का दे रहा था, 500, तब क्या होगा, अगर सेलर 490 पे देने पे एग्री हो जाए तब क्या होगा। दो क्वेश्चन हो गए ना दिमाग में तेरे, दो बात आ रही होंगी कि सर जी अगर वो सप्लायर जो ना 490 का दे दे तब क्या होगा। तो पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे को भी देखते हैं, सर स्लोली स्लोली करते हैं, हाँ सर जल्दी करा दो, बड़ी उत्सुकता हो रही है इस क्वेश्चन को करने की, क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा बस ऑनलाइन क्लास में, बस यही फायदा है, आपको सब कुछ बोर्ड पर हिंदी में भी मिल रहा है, मैटर इंग्लिश में भी मिल रहा है, सबको फायदा हो रहा है। अब लिखिए आंसर लिखिए, कितने का दे रहा है,
सेल प्राइस कितने बिक रहा है? पहले केस में 575 रुपीज़। जबकि वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? लिखो, मेटेरियल कॉस्ट एक यूनिट पे कितनी आ रही है? 275। लेबर लेबर 175, लेबर अदर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या ओवरहेड ही बोलते हैं इसे, या ओवरहेड ही बोलते हैं, कितने गए अदर वेरिएबल एक्सपेंस? कितने हैं? 50। टोटल कर लो सर जी, 500 रुपये आ रही है। ये 500 रुपये यहाँ आ गए, ये आ गए 500 रुपये। सर जी ये 75 रुपये क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। क्या आ गया? ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट अगर हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर खुद बनाएंगे तो 75 रुपये का फायदा हो जाएगा। ये मतलब है इसका, कितने का फायदा हो जाएगा? सो इट शुड बी मैन्युफैक्चर, लिख लो, सो इट शुड, सो इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, सो इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। बट तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को बना लेंगे। क्या कर लेंगे इसे? बना लेंगे, ठीक है। बट वट इफ इफ इट अवेलेबल एट बट इफ इट अवेलेबल एट रुपीज 490। अगर ये 490 में मिल जाए मेरे को, देन इट इज एडवाइजेबल टू वाई फ्रॉम द मार्केट से खरीद लेंगे या सप्लायर से, एक ही बात है। अगर ये प्रोडक्ट हमको चाक, क्योंकि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है अगर मैं बना रहा हूँ तो 500, लेकिन मार्केट में कितने मिल रहा है? 490 रुपये का सस्ता मिल रहा है, तो क्या करूँगा? फिर भी बनाऊँगा? नहीं, फिर लॉस हो जाएगा 10 रुपये का। फिर क्या करूँगा? मार्केट से खरीद लूँगा सर जी। हाँ जी, अब आया सर जी? हाँ अब आया सर जी, टाइम लगता है, उतार लो लो, मैं यहाँ खड़ा हो गया, मैं ज़रा इंक भर लूँ। उतार लिया, आगे बढ़ जाओ बेटा। हाँ जी बढ़ जाओ, एक और भर लेता हूँ, ताकि अभी मुझे एक क्वेश्चन पूरा कराना है, उसके बाद तो मैं रेस्ट दूंगा, फिर कल दन दनादन परसों
क्या चलेंगे, न्यूमेरिकल। पहले मैं अपना पूरा कंसर्ट करा दूं, पहले मैं क्या करा दूं पूरा कंसर्ट। लिखिए, देखिए एक एग्जाम्पल और लिख लो बेटा, एक एग्जाम्पल और लिख लो। आप भी क्या याद करोगे गुरुजी को, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल लिखाऊंगा। ए फर्म कैन बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। ए फर्म कैन परचेज ए सेपरेट आइटम्स या सेपरेट पार्ट लिख लो, पार्ट को बोलते हैं कंपोनेंट। सेपरेट पार्ट, गद्दी, चैन, हैंडल नहीं है इस समय, ब्रेक शू, सेपरेट पार्ट एट रुपीज 12 रुपए, 12 पर यूनिट। मतलब एक चैन कितने की मिल रही है मार्केट में, 12 रुपए पर यूनिट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, आगे लिखिए, ऐसे लिख लो, इफ We manufacture it. If we manufacture, if we manufacture it in house, अगर मैं इसको घर में बनाता हूं, we require additional मशीन, एक अतिरिक्त मशीन की जरूरत पड़ेगी, मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख, और जिसका जीवन होगा, लाइफ इज 10 ईयर्स, लिख लो, लाइफ इज 10 ईयर्स। किस ओर ले जा रहा है ये, हिरास की तरफ ले जा रहा है। आपको स्ट्रेट लाइन डेबिट से 10 से हिरास आनी पड़ेगी, इसमें 10 का भाग दे दोगे, इसका मतलब है हर साल 10,000 रुपये की क्या लगेगी, हिरास लगेगी बेटा, क्या लगेगी, हिरास। आगे लिखिए नेक्स्ट लिखिए, ए फोरमैन या सुपरवाइजर बोलते हैं सर, या फोरमैन या सुपरवाइजर, विद ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 600 रुपये पर मंथ। 600 रुपये कितनी देनी पड़ेगी उसे, अगर आप ऐसा काम करोगे तो एक आपको एक अतिरिक्त क्या लगाना पड़ेगा, फोरमैन लगाना पड़ेगा जो यूनिट बनाएगा, उसे पता होता है कि कैसे बनाएगी यूनिट। तो उसको हम क्या दे रहे हैं, 600 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। हैज टू हायर्ड, उसे किराए पर लेना पड़ेगा। और क्या लगेगा सर, कुछ और लगेगा, हाँ जी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मेटेरियल रिक्वायर्ड। सर जी जब आप बनाओगे तो उसमें मेटेरियल लगेगी, विल बी रुपीज 4
4 रुपए की मैडी लगेगी एक यूनिट में, पर यूनिट में। बगैर मैडी के थोड़ी बन जाएगा प्रोडक्ट। और सर जी और कुछ लगेगा? हाँ जी लगेगा, सब क्वेश्चन में दे रखा है। वेजी लगेगी, मजदूरी लगेगी, ₹2 पर यूनिट ये मजदूरी लगेगी। आगे लिखिए वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड इक्वल टू 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, लिख लो COTS, लिख लो, लिखो क्या है? ये पूंजी है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, जो फंड लगाएगा ब्याज पे, जो फंड ले रखा है, लिख लो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। क्या मिल जाएगा? एट द रेट 10%। ये कहानी है, ये उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए। उतार लीजिए पानी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फंड्स, पैसा लगा रखा है बिजनेस में, जो पैसा उतार लो बेटा, उतार लो मेरे बच्चे। भाई साहब इस प्रोडक्ट को बनाने से हमारी कुछ चीजें एडिशन लगेंगी, वरना ये कंपोनेंट नहीं बनेगा। सर जी आपको ये मशीन लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? हाँ जी लेनी पड़ेगी। सर जी फोरमैन लगाना पड़ेगा? हाँ जी लगाना पड़ेगा। मजदूरी लगानी पड़ेगी? सर जी ये सब फेस कॉस्ट है, तो ये क्वेश्चन ये अलग चीज़ है। सर जी आपने तो मना किया था, कह जी सर जी आपने मना किया था फिक्स कॉस्ट तो लेना ही नहीं है। अरे भाई साहब सिचुएशन देखनी पड़ेगी, हाँ जी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, कहाँ पे लेनी है कहाँ नहीं लेनी है। लिखिए इसका आंसर, मिटा रहा हूं मैं अब। सर जी सब देखना पड़ता है, हर परिस्थितियों से जूझना सिखा रहा हूं। हाँ जी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तू तो सेवा में सबने निवेदन यह है कि लिख आएगा। हाँ अभिमन्यु के साथ क्या हुआ महाभारत में? बेचारा घुसना जानता था चक्रव्यूह में, निकलना नहीं जानता था। तो मैं तेरे को घुसना भी सिखाऊंगा और निकलना भी सिखाऊंगा, टेंशन ना ले। हाँ जी फीस ले रहे तो आपको उसका दुगनी रिटर्न दूंगा मैं आपको, ये ध्यान रखना मेरे से। मैं कभी पढ़ाने में जरा सा भी कंजूसी नहीं करता, आप तो देख रहे होगे। चलिए लिख लो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, में वृद्धि हो गई। ये पुरानी फिक्स कॉस्ट नहीं है, किराया खराब वाली नहीं है। कह जी ये कंपोनेंट बनेगा तो किराया तो फिर भी जाएगा, वो इरिलीवेंट है। वो क्या है? वो मजदूर को मजदूर देनी है, बाचवान को सैलरी देनी, चाहे कच्चा प्रोडक्शन हो या ना हो, वो क्या है डिसीजन मेकिंग में? क्या है वो? इरिलीवेंट है। बिना प्रोडक्शन अब ये काम इसका बंद पड़ा है, प्रोडक्शन बंद पड़ा है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा, तो बिना को सैलरी देनी पड़ेगी। सर जी फिक्स है, चाहे काम हो उनको कोई मतलब नहीं है, बच्चे ट्यूशन में कितने आ रहे हैं, बिना को सैलरी देनी है, फिक्स है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सर जी ये तो बंद पड़ा हुआ है इस टाइम, कोई सेंटर छुट्टी चल रही है, लो देनी पड़ेगी सैलरी, फिक्स है। लेकिन यहाँ ये वो केस नहीं है सर जी, यहाँ पर सब कुछ अलग है, डिफरेंट चीज है, ध्यान देंगे। फिक्स कॉस्ट लिख लो अमाउंट,
ऐसे लिख लो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन, ऑफ द मशीनरी। मशीन कितने की थी? स्क्रैप वैल्यू होगी तो लेकर जाएगी, 1 लाख की थी, कुछ दे रखा है स्क्रैप वैल्यू? नहीं। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टीमेट लाइफ ऑफ द मशीन, 10,000 रुपये हो गए, 10,000 रुपये हो गए सर। आगे देखिए, सैलरी ऑफ द फोरमैन, सैलरी ऑफ द फोरमैन कितनी सैलरी जा रही है? एक अलग से सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, उसके बगैर होगा ही नहीं काम। तो सर जी ये कंपलसरी है, 1,272। सर जी इनके बगैर काम नहीं होगा, फोरमैन चाहिए चाहिए, ये कॉस्ट इनकर्ड नहीं है, हो चुकी है। इस यूनिट को बनाने के लिए सुपरवाइजर चाहिए चाहिए, फोरमैन वही है। सर जी जब आप इस यूनिट को बनाओगे, इस कंपोनेंट को बनाओगे, तो आपको सर जी कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए तो उस पर ब्याज दोगे ही दोगे, लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन, सर जी ब्याज भी देनी पड़ेगी आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मशीन कितने की है? सर जी 1,00,000 रुपये की है, फ्लैट ब्याज लगा दे 10,000 रुपये की ब्याज लगेगी, कितना हो गया? 27,200 रुपये, 27,200 उतार लो बेटा, ये और फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी, पहले इतना उतारो बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो परचेज प्राइस फ्रॉम द मार्केट, परचेज प्राइस फ्रॉम द मार्केट, बिठा दूं ये, ये भी अभी यूज करते हैं, अभी करते हैं यूज। मार्केट से कितने का मिल रहा है? सर जी 12 रुपये का मिल रहा है, सर जी 12 रुपये का मिल रहा है, लेकिन उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितने की आ रही है? सर जी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, लिख लो सर जी, मटेरियल लगेगी, डायरेक्ट मटेरियल लगेगी, कितने की लगेगी? सर जी 4 रुपये की लगेगी, और क्या लगेगा सर? 4 रुपये की लगेगी, और क्या लगेगा बेटा? डायरेक्ट लेबर लगेगी, डायरेक्ट लेबर लगनी है 2 रुपये की, और लेबर लगनी है, और वेरिएबल ओवरहेड ओवरहेड कितना? डायरेक्ट वेजेस का 150%, 3 रुपये, 9 रुपये, 9 रुपये, ठीक है, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट, आ गई 12 में से अगर 9 गए 3, उतार लो ये 3 रुपये तक। अब मैं ऊपर लिखूंगा, अब ये क्या निकल के आ गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आगे लिखिए, इसके नीचे लिखिए
आप नीचे लिखिए मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम कितना, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। मैं क्या निकालने जा रहा हूं आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। पर यूनिट भाई साहब, जो फिक्स्ड कॉस्ट लगी है कितनी लगी थी एक्स्ट्रा, 27,200 अपॉन में 3, 90 यूनिट, यूनिट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, शुड बी मैन्युफैक्चर्ड मतलब 9,000। ये फिक्स्ड कॉस्ट कब कवर होगी 27,200 कि जब कम से कम 9,067 यूनिट बनाओगे, इतने तो बनाने ही पड़ेंगे तब जाकर ये फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगी। और अगर इससे कम बनानी है, कम का ऑर्डर है, तो फिर क्या करो, मार्केट से खरीद लो तो आपको बेनिफिट है। तो इसका मतलब है कम से कम 9,067 यूनिट आप बनाओगे तब तो फायदा है आपको, अगर इससे कम बनाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर 8,000 यूनिट का चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए 8,000 यूनिट और इसी फिक्स्ड कॉस्ट लगनी है, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या करोगे आप, बाजार से खरीद लो। बाजार से कितने मिल जाएगा, 12 रुपये का तब आपको फायदा होगा। 12,96,000 रुपये। आप ऐसे देखो, 50 आपने 12,96,000 रुपये हो गए और उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, 8,27,000 रुपये। कितनी आ रही है, 27,000। 27 तो ये कॉस्ट और प्लस एडिशनल कॉस्ट लगी, 27,000 कितने की, 200 की, कितने हो गए, कितनी लगी है, 27,200 की और ये 8,972,000 हो गए, 72,000 हो गए, 99,200 की आ रही है। कॉस्ट कितने की आएगी मेरे को, 99,200 की, अगर मैं 8,000 यूनिट बनाने हैं तो 8,000 यूनिट की जो, तो सर जी 8,000 यूनिट पर कितनी कॉस्ट आएगी, 99,200 और मार्केट में कितने की मिल जाएगी, 12,96,000। तो 96,000 रुपये का कंपनियाँ किससे करोगे, 99,200 से कैसे कंपनियाँ करोगे, क्योंकि अगर बनाओगे तो कितने खर्च होंगे, 99,200 तो कहाँ से खरीदोगे, मार्केट से। मार्केट से कितने की मिल जाएगी, 12,96,000 रुपये में, और पैसे कॉस्ट कितनी आ रही है, 99,200। तो क्या करोगे सर जी, बाजार से बना, बाजार से क्या करेंगे, बाजार से परचेज कर लेंगे। बात समझ में आ नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है ऑर्डर कम से कम जो है 9,067 से कम है तो क्या करोगे आप, 9,067 से कम है तो क्या करोगे, मार्केट से खरीद लो। तो ऑर्डर फायदा कब होगा सर जी, इतनी यूनिट का अगर बनानी है तो हमें फायदा है, वरना हमको फायदा नहीं है। ठीक है, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।